बैठे हैं रंगनाथ विष्णु भगवान शयन कर रहे हैं, सिर की तरफ में भूदेवी है और चरण सेवा कर रही हैं वो श्री देवी हैं। जो आप मेरे पीछे में देख रहे हो 12.5 मन सोने का खम्भा, यानी 500 किलो वजनी इसका पूरे का वजन है 500 किलो। सोने के खम्भे के नाम से बोला जाता है ये मंदिर कि हम वृंदावन में गए और सोने के खम्भे वाले मंदिर का दर्शन करके आए। तो कोई भक्त भगवान की पालकी के पीछे पीछे इस गेट से बाहर निकलता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एक नियत खुशी के अंदर। आज हम आए हुए हैं मथुरा के वृंदावन में एक ऐसे मंदिर में जो कि कहा जाता है यहाँ पर एक ऐसा दरवाजा है जो एक साल में एक बार खुलता है और वो दरवाजा हमें स्वर्ग की तरफ लेके जाता है। और यहाँ पर एक ऐसा खंभा भी है जो कि सोने का बना हुआ है। उस मंदिर का नाम है रंगनाथ मंदिर जो कि रंगजी मंदिर के नाम से फेमस है। चलिए फिर चलते हैं इसके अंदर और दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। चलिए देखिए दोस्तों, ये है रंगनाथ मंदिर, रंगजी मंदिर के नाम से बड़ा फेमस मंदिर है ये मथुरा के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मंदिर है ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि वृंदावन के अंदर है। इसको जो बनाया है वो जो भक्त है वो साउथ के रहने वाला है, उन्होंने इसको बनाया है। ये मंदिर आज से 150 साल पुराना मंदिर है जो कि अंग्रेजों के टाइम के तहत बना था। ये इसका मेन दरवाजा है, इसके अंदर चलेंगे हम और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कम्प्लीट इस मंदिर के बारे में। ये जो बना हुआ है पूरी की पूरी साउथ इंडियन शैली के ऊपर बना हुआ है। इसका मेन दरवाजा है, देखिए खूबसूरत ये मंदिर है, कोठी पत्थर का बनाया हुआ मंदिर है। ये साउथ के अंदर मद्रास में एक मंदिर है रंगनाथ मंदिर, उसी की तर्ज पर यह मंदिर बनाया गया है। चलिए फिर दर्शन कराते हैं दोस्तों। ये है मेरे साथ मिस्टर दिनेश शर्मा जी जो मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे इस मंदिर के बारे में, रंगनाथ मंदिर के बारे में, रंगजी मंदिर जो नाम से फेमस है। चलिए फिर चलते हैं इनके साथ और दर्शन करते हैं, ये हमें दर्शन भी कराएंगे और हमारे को इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए देखिए सभी को पहले तो राधे राधे। आप वृंदावन धाम आए, ये वृंदावन जो कृष्ण की नगरी बोली जाती है और कृष्ण की नगरी में अकेला एक मंदिर जो सारा दक्षिण की शैली का बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो। ये कहते हैं पूरे ब्रज मंडल के अंदर में आज भी सबसे बड़ा मंदिर बोला जाता है, दक्षिण भारतीय शैली में जो बना हुआ है। और दक्षिण भारतीय सेवा या जो पुजारी इस मंदिर में सेवा पूजा करते हैं, यहाँ का लोकल ब्रजवासी पुजारी एक भी इस मंदिर में सेवा पूजा नहीं करता है। पुराने मंदिरों में सबसे नया मंदिर बोला जाता है जो कि मात्र पौने 200 वर्ष के समथिंग पुराना है। 1845 का मंदिर का निर्माण हुआ है। इस मंदिर में 7 दरवाजे हैं। ये तीसरा है गोपुरम दरवाजा, ये दक्षिण की शैली जो देख रहे हो गोपुरम बोलते हैं इसको। ये 3 दरवाजे मंदिर के आगे में है जो ऊपर तीसरा दरवाजा है। हाँ, नीचे नहीं, ये पूरा तीसरा दरवाजा है ये। अच्छा अच्छा, ये तीसरा दरवाजा बोला है, तीसरा दरवाजा। हाँ, दूसरा आपकी बैक साइड में है, पीछे टर्न होके देखोगे आप, ये दूसरा द्वार बोला जाता है जिसपे राजस्थान की कारीगरी हो रही है। यदि आप बाहर से देखते हो तो ऐसा लगता है कि राजस्थान का कोई किला है, लेकिन अंदर जाके सारा मंदिर दक्षिण की शैली का बना हुआ है। ये दूसरा द्वार है, अब अंदर चलेंगे। जिस परिक्रमा में आप खड़े हुए हो, ये जो आप पूरा व्यू देख रहे हो पीछे का, ये मंदिर में ऐसी बड़ी बड़ी 5 परिक्रमाएं हैं। ऊपर में जो आप कलश पे जूम कर रहे हो सामने में, बिल्कुल ऐसे मंदिर में सोने के 7 कलश हैं, 7 बड़े बड़े दरवाजे मंदिर में, 7 ही सोने के कलश। ये मंदिर 2 नाम से जाना जाता है, पहला नाम बोलते हैं रंगनाथ जी का मंदिर और दूसरा नाम बोलते हैं सोने के खम्भे वाला मंदिर, क्योंकि अंदर में सोने का खम्भा लगा हुआ है जो आजकल यहाँ के भगत लोग जानते हैं। रंगनाथ साउथ में विष्णु भगवान को बोलते हैं, आप लोग हम लोग विष्णु बोलते हैं, साउथ में रंगनाथ बोला जाता है। तो बोलो रंगनाथ भगवान की जय, राधे राधे मुख से बोलिए और ऐसे आइए। अभी हम दर्शन करेंगे, ये जो आप दर्शन कर रहे हो शेष नाग की जो अनंत सिया है जो शयन कर रहे हैं, लेटे हैं रंगनाथ विष्णु भगवान शयन कर रहे हैं।
सिर की तरफ में भूदेवी है और चरण सेवा कर रही है वो श्री देवी है, सुदेवी यानी माता लक्ष्मी जी। भगवान का सोने का मुकुट, सोने का कुंडल, ऐसा दर्शन आपको पद्मनाभम स्वामी जी का करने को मिलेगा जो कहाँ पे है, केरल में, केरल त्रिवेंद्रमपुरम, ऐसा सेम दर्शन है। पूरे मंदिर में दो प्रकार के विग्रह हैं, चल और दूसरा वाला अचल। पीछे वाला जो विग्रह अचल है, आगे वाला सोने का चलायमान विग्रह बोला जाता है, जो उत्सवों के दौरान पालकी पे निकाली जाती है। जो नीचे में आपको सोने की मूर्ति दिख रही है तो पालकी पे निकाली जाती है, पीछे वाली अचल है, वही रहती है। मुख से बोलो रंगनाथ भगवान की, बोलो राधा रानी की, हाथों को ऊंचा उठाते हैं, ताली बजा के हंसने का मातम है पूरे ब्रजमंडल में। कहते हैं जो वृंदावन में हंसे उसका घर परिवार बसे, जो वृंदावन में रोवे अपने नैना खोवे। हंसाते क्यों है कि भगवान भी तभी खुश होता है जब उसका भगत खुश होता है, इसलिए भगवान के सामने हंसवाया जाता है। और जो वृंदा ने बजाए ताली उसका हाथ कभी न हो खाली, इसलिए वृंदावन में ताली बजवाते हैं। बोलो राधा रानी की, ताली बजाइए राधे राधे, मुख से बोलियो रे। ये मंदिर का आठवां दरवाजा है, जिस प्रकार मैंने बताया सात दरवाजे हैं जो प्रतिदिन खुलते हैं, आठवां दरवाजा वर्ष में केवल एक बार और केवल एक या डेढ़ घंटे के लिए ही खोला जाता है। पूस महीने में आती है वैकुंठ एकादशी, पूस महीना शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, इसको भगत लोग वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और ये गेट उसी एकादशी को खोला जाता है, तो इसलिए इस गेट का नाम भी वैकुंठ द्वार बोला जाता है। सात दरवाजे प्रतिदिन, आठवां साल में केवल एक बार और एक डेढ़ घंटे के लिए, जो मंदिर का मुहूर्त होता है। और भगत लोग मानते हैं कि उस दिन जो कोई भक्त भगवान की पालकी के पीछे पीछे इस गेट से बाहर निकलता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, क्योंकि वैकुंठ एकादशी को बोला जाता है, तो इसलिए दरवाजे का नाम भी वैकुंठ द्वार बोला जाता है। बोलो वैकुंठ नाथ भगवान की, ताली बजाइए, ऐसी करिए राधे राधे, सभी मुख से बोलिए राधे राधे, बोलते ऐसे आइए। मंदिर में आते हो यदि दर्शन किए, दर्शन करने के अलावा इस मंदिर में आपको देखने के लिए तीन चीजें भी मिलती हैं, जिसमें से दूसरी चीज है ये वाहनघर, जिसके अंदर में सोने चांदी के 19 वाहन रखे हुए हैं जो उत्सव के दौरान निकाले जाते हैं। अब सोने चांदी का मतलब ये नहीं कि प्योर सोना चांदी है और ठोस सोना चांदी है, अंदर में लकड़ी है, कुछ वाहनों पे सोने चांदी की परत है, कुछ वाहनों पे पंच धातु की है और एक वाहन पे अष्ट धातु की परत लगी हुई है। मंदिर में आए हुए इनको देखने का टिकट लगता है ₹15 का एक व्यक्ति का, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन है, वाहनघर और शिशमल दोनों देखने को मिलते हैं। इस मंदिर का एक उत्सव आता है जिसको ब्रह्मोत्सव बोलते हैं, होली के दूसरे दिन चालू हो जाता है। डेट के हिसाब से मंदिर में कोई कार्यक्रम नहीं होता, तिथि के हिसाब से कार्यक्रम होते हैं सारे के सारे। तो होली के जिस दिन की होली होती है उसके दूसरे दिन मंदिर का उत्सव चालू हो जाता है जिसको ब्रह्मोत्सव बोलते हैं। यहाँ की जो लोकल भगत लोग हैं वो रथ के मेले के नाम से जानते हैं। तो ये सारे के सारे वाहन जो आप देख रहे हो, 19 वाहन रखे हुए हैं जो उत्सव के दौरान निकाले जाते हैं। नगर भ्रमण होता है, बड़े बड़े उत्सव, हाथी घोड़े पालकी, इन पे भगवान विष्णु जो मेन मूर्ति है इन पे विराजमान होती है, नगर में निकाले जाते हैं। 10 दिन का उत्सव ब्रह्मोत्सव बोला जाता है, भक्त लोग यहाँ के लोकल रथ के मेले के नाम से जानते हैं। अंदर में सभी के लकड़ी है, ऊपर में सोने और चांदी की परत लगी हुई है, कुछ में ये देख रहे हो पंच धातु का पूर्ण कोठी बोला जाता है भगवान का राजमहल। जिस दिन भगवान की प्रथम दिवस की सवारी होती है उस दौरान निकाली जाती है ये पूर्ण कोठी। ये हनुमान जी का दर्शन है, इस प्रकार निकलते हैं ऊपर में। ये कदम वृक्ष जो आप यमुना घाट पे देख के आते हो, यमुना नदी के यमुना तट के पास बना हुआ है, ऐसे ही कदम वृक्ष पे बैठ के भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चिरहरण किया था, तो वही लीला करवाई जाती है। चीर लटकी हुई है गोपियां बैठी हुई है, नारायण कृष्ण के रूप में जाते हैं उस टाइम पे। ये पूरे मंदिर में रामानु संप्रदाय का मंदिर है, तो विष्णु के अलावा अन्य दूसरे को यहाँ पे देखने को हमको नहीं मिलेंगे। ये अष्ट धातु की जो मैंने बोला कि हमको एक वाहन अष्ट धातु का देखने को मिलेगा, तो ये वो अष्ट धातु की पालकी है। आगे में है तोता चांदी का है,
ये सोने का घोड़ा है और ये सिंह शार्दुल एक टाइप की शायद प्रजाति हुआ करती थी जो लुप्त हो चुकी है, जो हाथी से भी ज्यादा विशाल हुआ करती थी, देख रहे हो, जिसने हाथी को भी सूंड पे लटका रखा है, ये सिंह शार्दुल बोला जाता है, जिसका शरीर तो पूरा एक शेर का लगता है लेकिन एक सूंड लगी हुई है हाथी की बस। ये आगे में शेर है, गरुड़ जी और चांदी का शेषनाग। तो ये थे वो 19 वाहन जो उत्सव के दौरान निकाले जाते हैं ब्रह्मोत्सव में। बोलो रंगनाथ भगवान की। आओ ऐसे आइए राधे राधे बोलते हुए। देखिए ये है मंदिर की मेन पहचान, जिसके नाम से मंदिर जाना जाता है, जो आप मेरे पीछे में देख रहे हो 12.5 मन सोने का खम्भा, यानी 500 किलो वजनी, इसका पूरे का वजन है 500 किलो, 50 फुट ऊंचा, अंदर में चंदन की लकड़ी है, उसके ऊपर में पंच धातु की परत है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। पंच धातु मतलब सोना चांदी तांबा पीतल कांसा, लेकिन क्या है सोने की मात्रा ज्यादा है तो इसलिए सोने के खम्भे के नाम से बोला जाता है ये मंदिर, कि हम वृंदावन में गए और सोने के खम्भे वाले मंदिर का दर्शन करके आए। ऐसे आई पीछे में ऊपर में हम अंदर दर्शन करेंगे। यहाँ पे मंदिर का मेन विग्रह जो विराजमान है, जो वो मेन विग्रह जो उन वाहनों पे निकलता है जो हमने देखे, जो उस गेट में से निकाला जाता है जो साल में केवल एक बार खुलता है, वो विग्रह अंदर में अभी हम दर्शन करेंगे। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि 7 द्वार पार करने के बाद यहाँ का मेन विग्रह विराजमान है, तो 3 द्वार मैंने आपको बाहर दिखाए, यहाँ से हम आए थे, चौथा अभी हम एंटर हुए हैं, 5वां द्वार ये रहा जिसपे घंटी लगी हुई है, 6ठा उसके अंदर, 7वां उसके अंदर। तो 7 द्वारों को पार करने के बाद आप मेन विग्रह का दर्शन करते हो। बीच वाला जो विग्रह है श्री रंगमनाथ स्वामी विष्णु भगवान का विग्रह है, राइट हैंड साइड पे भगवान के गोदम्मा देवी और भगवान के लेफ्ट हैंड साइड पे गरुड़ भगवान है। सोने का मुकुट, सोने का कुंडल, हीरे का तिलक है भगवान के आगे में। जो नीचे में जो सोने का छोटा वाला विग्रह आपको दिख रहा है वो है मेन, जो नीचे में जो चांदी का सिंहासन और उस चांदी के सिंहासन पे जो सोने का छोटा वाला विग्रह, बीच वाली प्रतिमा विष्णु जी की चलायमान भगवान के राइट हैंड साइड पे वही गोदम्मा देवी और लेफ्ट हैंड साइड पे वही गरुड़ भगवान। तो वो है यहाँ की मेन विग्रह जो उत्सवों के दौरान निकाली जाती है। दर्शन हुआ मुख से, बोलो रंगनाथ भगवान की, बोलो राधा रानी की। ताली बजाते हंसी करते हैं आनंद लेती हैं कि इतना किराया भाड़ा खर्चा करके इस ब्रज मंडल में आना होता है, और इस ब्रज मंडल में आने के बाद भी इधर उधर की चिंता रही दिमाग में, तो फिर कैसा वृंदावन में आना हुआ। वृंदावन शरीर से नहीं आया जाता है, वृंदावन मन से आते हैं। धन से आने वाले तो कितने बैठे हुए लेकिन अभी तक आना नहीं हो पाया है। जब तक उसकी राधा रानी, यहाँ की जो मालकिन बोली जाती है, कहते हैं ब्रजवासी राधा रानी को, श्री जी को, वो यहाँ की मालकिन बोली जाती है, उसकी परमिशन नहीं तो वृंदावन में एंट्री नहीं। बोलो राधा रानी की, आ जाइए। ये भगवान की लीलाओं का वर्णन हो रहा है यहाँ पे इन चित्रपट में। जो भगत नहीं समझ पाते हैं तो उन यहाँ से समझते कि भगवान विष्णु ने क्या क्या लीलाएं करी। अधिकतर इसमें लीलाएं कृष्ण की देखने को मिलेंगी, कि किस प्रकार यहाँ भगवान के घर पैदा हुए देवकी वासुदेव के यहाँ, किस प्रकार गोपियों ने इनको माखन खिलाया, माखन की लीलाएं जो हुई गोपियों की, वो लीलाएं इन चित्रपटों में हो रही हैं। ऐसे पूरे मंदिर में मैंने बोला 284 खम्भे हैं, 284 पिलर, जिनमें 4 मूर्तियां आप नीचे में देख रहे हो, 4 ऊपर में है। क्यों है ये? नारायण के द्वारा उनके युगों में जो लीलाएं हुई हैं, उन लीलाओं का दर्शन है। वो कौन से लीला हुई, कौन से संत हुए, कौन से ऋषि हुए, उन सबों के बारे में इन खम्भों पे दर्शाया गया है। हर युग में हर ऋषि के बारे में, हर लीलाओं के बारे में नारायण की विस्तार पूर्वक आपको इन इस मंदिर के खम्भों में देखने को मिल जाएगी। हम इसी मंदिर में आए हैं और देख रहे हैं तिरुपति बालाजी का दर्शन है। हमारे भारत के सबसे धनाढ़ और धनी भगवानों में इनकी गिनती होती है, पैसे वाले भगवान जो बोले जाते हैं,
के आंध्र प्रदेश में तिरुमला की पहाड़ियों पे इनका बड़ा प्राचीन और बड़ा मंदिर है, बालाजी भगवान का। दो नाम से जाना जाता है इनको, तिरुपति बालाजी और वेंकटेश बालाजी। सोने का मुकुट, सोने का कुंडल, हीरे का तिलक है आगे में बालाजी भगवान, पत्नियां श्रीदेवी और भूदेवी, द्वारपाल जय विजय। पीछे वाला जो विग्रह जिसका प्रत्येक शुक्रवार 51 किलो गाय के कच्चे दूध से अभिषेक होता है, बाकी के 6 दिन यमुना के जल से अभिषेक करवाया जाता है। मुख से बोलिए बालाजी भगवान की। अब आगे में दर्शन करते हैं, राधे राधे बोलती है, आप लोग मेरे साथ आते रहिए, दर्शन करते रहिए भैया के चैनल के माध्यम से। ये गोपुरम है, तीसरा द्वार बोला जाता है, चाहे आप आगे से आइए चाहे आप पीछे से आइए, ये तीसरा द्वार कहलाएगा। चौथा यही रहेगा जो मैंने आपको बताया था कि 7 द्वार हैं, तो ये चौथा द्वार यही कहलाता है। इसको गरुण द्वार भी बोलते हैं, क्योंकि गरुण स्तंभ बना हुआ है द्वार पे, इसलिए गरुण द्वार भी ये बोला जाता है। ये गज ग्रह कुंड बोला जाता है। गज आपने सुना हो कि गज ग्रह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा, और तिलवर सूर रही ऊपर तब हरि नाम पुकारा। जो लीला होती है आती, और मगरमच्छ की लीला करी गई थी, जो पैर पकड़ लिया आती का मगरमच्छ ने, तो उसको मगरमच्छ का वध किया किसने, विष्णु भगवान ने। तो इलेक्ट्रिक तरीके से लीला करवाई जाती है, कब, रक्षाबंधन वाले दिन, जिस दिन की रक्षाबंधन होता है उस दिन यहाँ पे लीला होती है। इलेक्ट्रिक तरीके से हाथी और मगरमच्छ दोनों में लड़ाई करवाई जाती है। उधर में भगवान विष्णु गरुड़देव में विराजमान रह के उत्सव का आनंद लेते हैं। उत्सव आज भी गजेंद्र मोक्ष उत्सव के नाम से जाना जाता है। इसमें दूसरी लीला होती है नौका विहार की, क्वार के महीने में। क्वार बता दूं आपको, सितंबर का महीना वो क्वार का महीना बोला जाता है। क्वार महीने में यहाँ पे नौका विहार करवाई जाती है। विष्णु जी और माता लक्ष्मी को बड़ी सी नाम में विराजमान कराया जाता है, और पूरे इस कुंड को सजा दिया जाता है, प्लस इसमें नौका विहार की भी लीला होती है। अब आगे में और भी दर्शन करते हैं, पीछे आते रहिए, राधे राधे मुख से बोलते रहिए। ये जो आप देख रहे हो ये 12 द्वारी बोली जाती है। 12 द्वारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला तो ये सारी तरफ से खुली हुई है, हर तरफ द्वार है, तीन तीन मेन। इसको साउथ में मंडप बोलते हैं, मंडप मतलब इधर में विवाह होता है, जिस प्रकार हमारे में सालिग्राम तुलसी का विवाह होता है, देव उठाने का एकादशी पे सालिग्राम तुलसी का विवाह करवाते हैं आप लोग, हम लोग। इधर में नारायण और लक्ष्मी का विवाह होता है 14 जनवरी को, जो अंदर की जो हमने मेन विग्रह का दर्शन किया, उन दोनों का यहाँ पे विवाह उत्सव होता है, तो इसलिए उनका ये मंडप बोला जाता है। तो मेरे साथ आप भी बोलिए, बोलो राधा रानी की, राधे राधे मुख से बोलिए, और ऐसे आइए दर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार मैंने बताया कि ये रामानुज संप्रदाय का मंदिर है, और हमने पूरे मंदिर में दर्शन किए, कृष्ण भगवान का मंदिर हमको नंदर में हमने नहीं देखा। इधर में भी दर्शन कर रहे हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का दर्शन है, राघवेंद्र सरकार। सीधे हाथ पे सीता मैया, उल्टे हाथ पे लक्ष्मण भैया। सोने का मुकुट, सोने का कुंडल है आगे में, चलायमान विग्रह राम लक्ष्मण जानकी जी का, द्वारपाल है गरुड़देव और हनुमान जी। तो आप सभी बोलिए मुख से राघवेंद्र सरकार की, ताली बजाइए, ऐसी करिए, राधे राधे मुख से बोलिए, राधे राधे बोलते चलते हुए आगे में चलते हैं। भाई के द्वारा चैनल के माध्यम से इस पूरे मंदिर का घर बैठे ही आनंद लिया हो, और हम चाहते हैं हमारे भाई जो आपको ऐसे ही आनंद दिलाते रहे, इसके लिए केवल आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जो आ रहे हैं जगह जगह जा रहे हैं, दर्शन आप लोग घर बैठे करवा रहे हैं, आपको भी इनकी छोटी सहायता सहयोग इसमें देना पड़ता है। जिस प्रकार हम नहीं कहीं जाते हैं, किराया भाड़ा लग जाता है हमारा, किराए भाड़े में पैसा खर्चा हो जाता है, उसी प्रकार अब भी आपको एक हल्का सा खर्चा क्या करना है, इसमें खर्चा नहीं है, एक हल्का सा एक सेकंड देना है आपको। वो सेकंड क्या है कि भैया का जो बटन है लाल, उसको आप लोग सब्सक्राइबर बोलते हैं, सब्सक्राइब करना है भैया के चैनल को, जिससे भैया को मनोबल बढ़ता रहे, सांस मिलता रहे कि भाई तो होते ही रहिए, अंदर से अच्छा रहेगा कि हाँ कि लोगों को प्रेम मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। तो एक सब्सक्राइबर, और ना कर सको तो लाइक और कमेंट करके भैया को जरूर बताएं। दोस्तों ये है मिस्टर दिनेश शर्मा, जिन्होंने हमारे को इस मंदिर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, डिटेल के अंदर बताया। जो हमारा ये मंदिर है वृंदावन के अंदर, रंगनाथ मंदिर, जो कि रंगजी मंदिर के नाम से भी बड़ा फेमस है, समोर्थ इंडिया का सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर ये आता है।
की इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोड्यूसर दिनेश शर्मा जी ने दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दूसरों को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया के थ्रू, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसा नोटिफिकेशन आपके पास आए हर वीडियो के लिए, तो इसलिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय, राधे राधे।